अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ सुबह रात को, मतलब क्या आप कह सकता हूँ, मतलब रात से मैं सोया नहीं, इस तरह बताना मैं चाह रहा था। तो आज सवेरे छत पे आए हैं मैं थोड़ी सी धूप लगवाने, जो मॉर्निंग सनलाइट होती है वो काफ़ी हेल्थी होती है बंदे के लिए, तो इसलिए सुबह आए मैं। अभी थोड़ी सी धूप तेज होती जा रही है तो मैंने कहा नीचे चलते हैं, तो आज या अभी गर्मी में काले हो जाएंगे तो नीचे चलते हैं साथ। तो दोस्तों नीचे तो आ गया आपका भाई। तो सीन कुछ ऐसा है कि पौधों को मैंने सुना है कि रात को या शाम को या सुबह फजर के वक्त पानी देते हैं, तो धूप जब धूप आ रही हो तब नहीं देते। तो इस बार तो फजर टाइम मैं नहीं आ सका, मैं लेट हो गया, मतलब फजर पढ़ के फिर मैं वीडियो एडिट करने लग पड़ा था तो फिर लेट हो गया था। फिर अभी आए तो मैंने देखा कि इनमें हैं अभी ये गीले गीले, पर ये खुश हो चुके हैं, तो मैंने कहा अभी धूप इधर तक आई नहीं है तो इनको थोड़ा पानी देते हैं और फिर नीचे चलते हैं। तो दोस्तों आज की 200 सालों के बाद आपके भाई ने अपनी गाड़ी निकाल ली है बाहर, तो मैं सोच रहा था इसका कोई नाम भी रखते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आता यार गाड़ी गाड़ी बोल के, क्योंकि इतना हमारा साथ दे रही है। यकीन माने जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं ना, मेहरान की कदर हो गई है मुझे। लाख के अलावा आज मैंने इसको इतने दिनों के बाद निकाला, मैंने कहा सर्विस कराई, मिट्टी हुई पड़ी हुई थी, तो अभी जा रहे हैं सर्विस स्टेशन पर, शुक्र है कि करीब ही है तो उधर चलते हैं सर्विस के लिए देते हैं और आगे किसी इंसान को बताते हैं। जाना कहीं भी नहीं है, बस सर्विस करा के वापस खड़ी कर दूंगा। ये भी ठीक है, मैं आपको बाहर से भी ज़रूर दिखाता पर इसकी हालत दिखाने वाली नहीं है, तो इस वजह से ना मैं बाहर से दिखा नहीं रहा, सिर्फ स्क्रीन पर मैंने कपड़ा छपड़ा मारा कि मुझे नज़र आ जाए, इतनी मिट्टी हुई थी। अभी सर्विस स्टेशन पर फिर रहे हैं, फिर जब सेट हो जाएगी तभी दिखाएंगे। दोस्तों आपका भाई गाड़ी छाड़ी दे आया सर्विस स्टेशन पे, 1 घंटे तक ले आऊँगा, शुक्र है कि सर्विस स्टेशन इस पतली गली से तो गाड़ी नहीं जाती, पर मैं जा सकता हूँ ना, तो मैं बड़े रोड से जा गाड़ी उधर दे देता हूँ, तो इधर से शॉर्टकट पड़ता तो घर आ जाते हैं। ये फ़ायदा है कि उधर वेट नहीं करना पड़ता सर्विस का, और बंदे भी ठीक है, वो नहीं करते, इधर नंबर ही नहीं करते। अगर ऐसे होता है पाकिस्तान में कि बंदा 100 रुपये हो तो काम 1 नंबर होता है, पर इधर जिधर पता हो गए फाइन सही काम करते हैं तो फिर आप घर आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेट हो जाएगी अभी घर, 1-2 काम है, सुबह उठना बड़ी गनीमत है, सच बता रहा हूँ। मैं तो 3 दिन से सोच रहा था कि इसको ले के जाऊँ सर्विस कराऊँ, सेट कराऊँ, तो फिर लेट उठता था 2-3 बजे, तो हाँ तकरीबन 12 बजे 2-3 ही मजाक कर रहा था। तो बस अभी 1-2 काम है और वो आपको बताते हैं और फिर गाड़ी वापस ले जाते हैं। तो दोस्तों दोस्तों आज सवेरे का टाइम था तो आपके भाई को एक आइडिया आया, ये जगह मैंने खाली देखी ना, तो मैंने कहा कि यार दूसरा पिंजरा भी ना इधर लगा के चेक करते हैं कि खूबसूरत लगेगा कि नहीं। तो साइज मैंने ले लिया है, अब ये पे कील नहीं मिला मुझे तो मैं पेच ही लगा रहा हूँ, इधर लगाएंगे चेक, दोनों को लगाते हैं साथ और फिर देखेंगे कि कैसे लगते हैं। पहले नाप ले लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो व्यूवर्स पेज से काम नहीं चल रहा था तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत लगा के स्टील का किल स्किल का नेल ढूंढ ही लिया, अब व्यूवर लगाते हैं देखते हैं। And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways. Da 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 da. Bada VIP ho gaya dosto. We'll go through the wastelands, through the highways. And बड़ा रहा बेहतरीन VIP लग रहा है दोनों एक साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय हाय, मुझे तो वक्री चाफ आ रही है। अब ये इनके ऊपर कपड़ा इसलिए देते हैं कि इनके जो पत्ते हैं ना नींबू के, लेमनेड तो नींबू पानी होता है, तो ये नींबू के जो पत्ते हैं ना ये जब जो डेड हो जाते हैं ना तो वो गिरते हैं ऊपर, तो फिर इनके तरह निकल जाते हैं, डर जाते हैं काफ़ी सारे, तो फिर इसलिए कपड़ा रखते हैं ऊपर के डरे ना। अब चेक करें, आप दोस्तियां बनाओ दोस्तियां आपस में, तुम्हारे जैसी एक और है उसके अंदर,
मैंने देखी है, बाहर आई तो फिर बताऊंगा, अभी छोटी है, ये भी बच्चा है दोस्तों, ये बाहर आया है। ओए ओए ओ सला सला, ये बेचारे को मारा ने, इनको अभी तक आदत है वो ऊपर खाने वाली। मैं दवाई तो रोज़ डालता हूँ, उसने कहा था 2-3 दिन में आराम आ जाएगा, पर इनको तो महीना होने लगा, आराम नहीं आया दिला तो। पर दुआ करें कि ये सलामत रहे। अभी इसको मैंने दूसरों को मैंने थोड़ा सा डांटा तो ठीक है, अभी दोस्ती कर लो आपस में। और फिर मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वो जगह खाली खाली लग रही है, पर इधर दोनों अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। आपका भाई घर के काम में इतना व्यस्त हो गया था, गाड़ी का याद ही नहीं रहा, वो जा रहा हूँ जल्दी जल्दी से लेने। 10 बजे दे गया था, 1 हो गया अब। तो व्यूअर्स, गाड़ी तो आपका भाई ले आया, और इतने शिशके करा रही है ना, ये चेक कर। कसम से अंदर से इतने दिनों के बाद निकाली है, इसलिए मैं भूल भी गया था कि गाड़ी दे के भी आए हुए हैं वापसी। हम अपनी मिनी पजारो पार करके बाहर आ गए हैं, क्योंकि इस पजारो का भी थोड़ा सा काम था तो वो करवाया, और अब घर जा रहे हैं। तो मन सब कैसा लग रहा है आपको इतनी गर्मी में खजल होते हुए? बहुत अच्छा भाई, एसी में बैठे हो। अच्छा, एसी लगाओ ले। सुबह में बगैर एसी के फिरता रहा ना गाड़ी में, इसलिए मैं बोल रहा था। यार आप मेरे व्लॉग देख रहे हो आजकल? मैं यार आजकल नहीं देख रहा, आजकल आई एम वेरी बिजी। देख ही तेरे वो बिजी बिजी बाफे तू, मैं ये सीन फिर कट कर दूंगा, तेरा क्या फायदा व्लॉग आ जाए। मैं तेनू लेके आज सारे जाके देखूंगा ना, आज मैं तेनू व्लॉग लेके आना, तू फेमस होए आज सारे आके देख, फिर तू फेमस होएगा ते फिर वो लोग ही पूछेंगे यार वो अरमान आपके व्लॉग्स में नहीं आ रहे, वो क्या सीन है। फिर मैं बोलूंगा यार वो बिजी है, इधर है उधर है, फिर कैसा तुम्हारा हाइप बन जाएगी। भैया जी आपको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई भैया। हां तुम व्लॉग देखोगे तो तुम्हें खुद व्यूज बढ़ेंगे, तो तुम्हें खुद पता चलेगा यार मैं फेमस हो रहा हूँ। तो इस तरह व्लॉग भी देखना है और 3 लोगों को बोलना है कि सब्सक्राइब करें, और आगे 3 लोगों को बोलना है कि सब्सक्राइब। चेंज चलानी है हमने पूरी, बिजनेस को छोड़ना नहीं है, ऐसे लेके चलना है पूरा। ओके हो गया, ओके हो गया। व्यूवर्स, अभी आपका भाई कर रहा था वीडियो एडिट, लाइट नहीं सही, अभी आपका भाई वीडियो एडिट कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि यार खत का भी थोड़ा सा काम ख़राब हुआ है, अभी चलते हैं खत कराने, पहले देख लें कि 4 होने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ खुला आएगा बार-बार, अगर खुला हुआ तो आज करा लेंगे, वरना फिर कल पे करना पड़ेगा, देखते हैं चल के, अगर खुला हुआ तो दुआ करें खुला ही हो। आए 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 मजे, आए 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 आए, बड़ा फिट लग रहा हूँ दोस्तों, कमेंट में बताएं। मजाक कर रहा था मैं, हद हद कराऊँ, अभी जा रहा हूँ बाजार के चक्कर है, तो कैप शैप पहन लेते हैं क्योंकि बाल अभी साफ़ हो जाए तो फिर गंदे हो जाएंगे, डस्ट यू नो पाकिस्तान बेबी। ओह दोस्तों तरक्कियाँ हो गई हैं, देखें एसी चल रहे हैं भाई, एसी। भाईजान आज क्या आपको एसी लगाने का आया है? गर्मी पड़ी है, गर्मी बहुत है, ये तो बात है। आगे बिल आपने देखा, सर्दी नहीं लगी है आपको? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपके काम में। दोस्तों बाजार आए हो तो भाई के पास चक्कर लगा ही लेते हैं, क्योंकि जब भी बाजार आना होता है तो किसी न किसी की हैंड फ्री खराब हुई भी होती है जी, तो वो लेके जानी होती है, तो भाई के पास इसी बहाने मुलाकात भी होती है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और बाल शाल भाई के बताएं कैसे लग रहा है, असल में ये मैंने कटवाए नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि वीडियो में, अगर आप मेरे व्यूवर है ना पुराने वाले नहीं है तो बांध जाए ठीक है, तो मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि वो बाल बड़े कर रहा हूँ, तो ये मैंने सेट किया। बस मिलते हैं अल्लाह, ठीक है।